ये जो जनाब अभी जजिंग करके गए हैं इंडिया में, जो कांड करके फिक्सिंग करके गए हैं, जीतेगा यार? ये कौन सी कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी बिलाल के साथ यार? अब हाँ मैं समझ सकता हूँ आप जज हैं, आप बोल दोगे उन्हें, डरा दोगे, धमका दोगे कि तुझे दूसरा शो भी तो खेलना है मेरे भाई, अपनी हद में रह। तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएबी प्रो लवप्रीत भाई की अपडेट के बारे में। तो गाइस आप सभी को पता है कि लवप्रीत भाई ने अपनी बॉडी में साइज की कमी होने के कारण दिल्ली प्रो शो में कॉम्पीट नहीं किया। और भाई ये कहीं ना कहीं इन्होंने सही भी किया है, क्योंकि अगर ये कॉम्पीट करते तो इनकी प्लेसिंग के साथ साथ इनका पैसा भी वेस्ट होता। तो अब आप इनकी लेटेस्ट अपडेट में इनकी फ्रंट बॉडी के साथ साथ इनकी बैक पर भी फोकस कर सकते हो। लवप्रीत भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग शो कर रहे हैं और एक डिफरेंट शेप में नजर आ रहे हैं। और भाई यहाँ पर इनके एब्स एंड ऑब्लिक्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और बात करें इनकी बैक के बारे में, दो गाइस इनकी बैक में तो डेंसिटी क्लियर विजिबल हो रही है और सभी मसल्स वेली राउंड हैं। तो दोस्तों आपने लवप्रीत भाई की लेटेस्ट अपडेट तो देख ही ली है, इसके बाद भी हम बात कर लेते हैं इनके अगले प्रोसो के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने दिल्ली प्रोसो के पहले ही यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये कॉम्पीट करेंगे मुंबई प्रोसो में। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक अपना कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे हरविंदर भाई की अपडेट के बारे में, जिन्होंने शेरू क्लास के बाद में अपनी पहली फिजिकल अपडेट शेयर की है। तो गाइस आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि हरविंदर भाई की बॉडी यहाँ पर कितनी ज्यादा डेंजरस दिख रही है, इनकी बाइसेप्स का साइज यहाँ पर कितना बड़ा लग रहा है और शोल्डर की राउंडनेस नेक्स्ट लेवल पर है। तो गाइस धर्मेंद्र भाई ने शेरू क्लास के बाद से अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की प्रेप स्टार्ट कर दी है। और इस साल शेरू क्लासिक में इनकी प्लेसिंग डिजर्विंग न मिलने के कारण इन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि अब के बाद में शेरू क्लासिक में कभी भी कॉम्पीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हरविंदर भाई अपने प्रो कार्ड जीतने के लिए कौन से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करते हैं। इनके बाद हम बात करेंगे अली बिलाल भाई की अपडेट के बारे में। तो गाइस इनकी भी दिल्ली प्रो शो के बाद में फर्स्ट फिजिक अपडेट है। तो आप सब यहाँ पर क्लियर देख सकते हो अली बिलाल भाई दिल्ली प्रो शो की कंडीशनिंग और शेप में दिख रहे हैं, और इनके फ्रंट पोज का तो जवाब ही नहीं है भाई, ये सबसे बेस्ट दिखते हैं इस पोज में। और अली बिलाल भाई की अपडेट्स को देखकर लग रहा है कि ये इनका सबसे फेवरेट पोज है, क्योंकि हर अपडेट में ये इसी पोज को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी बातें तो हो गई अली बिलाल भाई की फिजिकल अपडेट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनकी यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग की वजह क्या थी। तो आप सभी ने हमारी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि एक जज जिसने दिल्ली प्रो शो में जजिंग की थी, उसने बताया कि अली बिलाल की फ्रंट बॉडी तो डोमिनेटिव दिख रही थी पर इनकी बैक पूरी शार्प नहीं थी, यानी कंडीशनिंग में नहीं थी, इनकी बैक में वाटर दिख रहा था, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग थर्ड आई है। तो दोस्तों शेरू क्लास के इसी जज को रिप्लाई देते हुए तरुण गिल भाई ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली है, जिसमें तरुण गिल भाई ने अपने ओपिनियंस रखे हैं। तो आप इनकी इस वीडियो को देखकर बताना क्या ये सही बोल रहे हैं या फिर गलत। ओहो भाई साहब, इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत। तो ये जो जनाब अभी जजिंग करके गए हैं इंडिया में, जो कांड करके फिक्सिंग करके गए हैं, भुवन जीता और बिलाल नहीं जीता, क्यों नहीं जीते वो? और यही जज साहब कह रहे हैं कि भाई साहब भुवन इसलिए जीते हैं बिकॉज वो फ्रंट और बैक दोनों से अच्छे दिख रहे थे। बिलाल इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो बैक से, उनकी बैक में ना बहुत वाटर था, श्रेडेड बैक नहीं थी उनकी। लेकिन वो एक चीज भूल गए हमारे जज साहब कि भाई साहब जब आप कंपेयर करते हो ना, तो कंपैरिजन में आप भुवन और बिलाल को साथ में रखो ना। आपने तो भुवन को हटा ही दिया, उसका कंपैरिजन ही नहीं किया। बिकॉज अगर आप कंपैरिजन कर दोगे अपने वीडियो में भुवन की बैक और बिलाल की बैक, फिर तो एक्सपोज हो जाएगा ना मामला कि भाई ये तो प्योर फिक्सिंग है। आप कुछ तो सोचो यार, आप कंपैरिजन कर रहे हो और बता रहे हो कि बिलाल की बैक में वाटर है, साथ में भुवन की बैक भी तो दिखाओ। वो तो दिखा नहीं रहे आप सिर्फ और सिर्फ बिलाल की बैक दिखा रहे हो यार। सो एक काम करो, एक्सपो वालों बोलो जज साहब को कि एक वीडियो और बनाए जिसमें भुवन को तो दिखाएं, तो फिर तो सारा ही, जिसे कहते हैं ना, सबको पता लग ही जाएगा कि क्या सच है और क्या फिक्सिंग। बाय द वे, आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है भाई? और दूसरा, आप कह रहे हो बिलाल ने कंपटीशन के बाद इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने भुवन को कहा यू आर ट्रू चैंपियन, लेकिन जहां तक बिलाल ने स्टोरी डाली थी उसने कहा था इट वॉज अ फकिंग जोक। उन्होंने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में भी कहा था द शो वॉज फिक्स्ड। उन्होंने सिद्धांत जायसवाल को पहले कह दिया था कि वह भुवन जीतेगा। यार ये कौन सी कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी बिलाल के साथ यार? अब हाँ मैं समझ सकता हूँ आप जज हैं, आप बोल दोगे उन्हें, डरा दोगे, धमका दोगे कि तुझे दूसरा शो भी तो खेलना है मेरे भाई, अपनी हद में रह, एक्सेप्ट कर ले, चाहे शो फिक्स हो ना हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं कर कुछ भी करता रहूँगा फिक्सिंग, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज एन एथलीट। क्यों, वाई डू वी नीड टू एक्सेप्ट इट? अग्री टू दिस, एक वीडियो और बनाओ ना,
एक वीडियो और बनाओ और बिलाल और भुवन को साथ कंपेयर करो, जो आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं भुवन को कंपेयर करना। सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर वीडियो जिसमें भुवन भी होंगे बिलाल के साथ बैक का कंपैरिजन करते हुए। वेटिंग।